अमेठी के सभी सुधी जन बैठे हैं, यहाँ राजेश जी बैठे हैं। मैंने सोचा कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं अपना कर्तव्य निभाऊं, मैं क्या कर सकती हूं। मुझे ख्याल आया कि सतयुग की स्त्री कैसी थी, त्रेता की स्त्री कैसी थी। अगर आज आप अपनी संतानों से उनके बारे में जानना चाहो तो क्या उनको पता है। मेरे मन में सर्व मंगला पीठम का ख्याल आया, चारों युगों की यात्रा स्त्री की, धर्म की वैज्ञानिकता, हमारी व्यवस्था के पीछे, विवाह संहिता के पीछे का आधार। कानून बहुत कठोर होने चाहिए, पापियों को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए, पर आज भी घर के अंदर अगर 20 साल के भाई के पास 18 साल की बहन सुरक्षित है तो वहां कोई थानेदार नहीं बैठा, वहां कोई कानून का डंडा नहीं दिख रहा। वो व्यवस्था किसने दी, किसने दी? वो धर्म ने व्यवस्था दी कि ये तेरी भगनी है, और अपनी भगनी के प्रति स्वप्न में भी कोई भाई बुरा विचार नहीं ला सकता। ये किसकी दी व्यवस्था है? तुम धर्म पत्नी कहलाती हो देवियों, ये किसकी दी व्यवस्था है? सालों दूर रह के तुम्हारा पति तुम्हारे प्रति वफादार बना रहता है, तुम उसका वियोग झेलती हो पर किसी पुरुष के प्रति बुरा विचार नहीं लाती हो, ये किसकी दी व्यवस्था है? ये धर्म की दी व्यवस्था है। इसलिए धर्म से संचालित हम, कोई हमें देखे ना देखे तो भी कोई एकांत नहीं ढूंढते पाप करने के लिए, क्योंकि हमें पता है हमारा अंतर्यामी अंदर बैठकर हमें देख रहा है। बालपन में ही बता दिया गया कि चित्रगुप्त लेखा जोखा रखते हैं, कंधे पे बैठे रहते हैं, तो कौन है वो चित्रगुप्त? हमारा ही तो चित्त है, हमारे सुकर्म और कुकर्मों का साक्षी। ये संस्कार हमारी संतानों के पास नहीं है, उसके वातावरण का निर्माण करो। इसलिए धर्म के द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं से भारत की संतानों का संस्कार होना चाहिए। कौन करेगा? भारत की देवियां। इसलिए जाने क्यों आज किया, जी के इतिहास पलट करके देखूं, किन राहों से होकर आई आज कहां मैं ये देखूं। मैं ऋषि पति ऋषि पत्नी सती नारी थी, तब देव राज से ठगी गई, रघुवीर चरण रज को तरसी। मैं अयो निजा जब सीता थी, वैदेही जनक नंदनी थी, तब राक्षस द्वारा हरी गई, निष्पाप मानते थे रघुबर, फिर भी दी अग्नि परीक्षा थी। महलों का सुख क्षण में त्यागा, महलों का सुख एक पल नहीं लगाया, राम के पीछे पीछे उसके चरणों का अनुगमन करती चली। मैं छाया वनपति संग चली, अवधि पर लौटे अवधपति, छाया लौटा दी फिर बन में। मैं शूर सेन की प्रथा बनी थी, कुंती बोझ की गोद गई, ऋषि सेवा का वरदान मिला, शत शत पापों से था गुरुतर, हो विवश नदी में बहा दिया, जिस दिव्य पुत्र को था जन्मा मैंने, वो समीप था जीवन भर, अपमान अग्नि में जला किया, अंतर मन धू धू जलता था, मर्मांतक पीड़ा सहती थी, पर मौन विवश मैं कह न सकी, नहीं सूत पुत्र ये है सूर्य पुत्र। मैं याज्ञ सैनी बनकर आई, ज्वाला में जन्म लिया मैंने, धर्मराज थे पति मेरे, जुए में हार गए मुझको, भीष्म विदुर से दर्शक थे, निज कुरु सभा में बलि पशु सी, निज देवर के हाथों जाती, मैं अपनी लाज बचाती थी, ये एक नारी की व्यथा न थी, ये एक समय की कथा न थी, न जाने कितनी मौन प्रथा, अग्नि को समर्पित सीता थी, कितनी पंचाली बेवश थी। तब व्याकुल हो नारायण बोले, तुम शक्ति स्वरूपा दुर्गा हो, हो स्वरा तुम्ही तुम लक्ष्मी हो, मृदु ऋषि नारी मीरा बनकर, भक्ति रस की वन धार बहो,
के शब्द शाप की क्या विषाद, विष या विषधर भेजे कोई अपने पत से निष्फल कर दो। हे सीते यदि जलना ही है तो जौहर की ज्वाला में जल के चिता भस्म का तिलक लगाकर जन जन तुझको नमन करे। हे प्रथा बनो पन्ना धाए या फिर जयवंती जी जावन सुत पर सिंहासन सुख बारो के शूर वीर सुत से पहले जग प्राता तुम्हारा नमन करे। हे मुंड मालनी चामुंडा हाड़ी की रानी बनकर जाओ निज पति गल मुंड माल बनकर अद्भुत इतिहास रचो। अब तुम गुरुजन पुरजन परिजन और हे याज्ञ सेनी रणचंडी वन हूँ विधवा पर संतान नहीं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हे कृष्णा यूं हुंकार भरो के सात समुंदर पार रखा अरिका सिंहासन डोल चले। लेकिन हाय सदी एक ना बीती किस और बह चली नारी है चंचल सरिता की आज भला शब्दों के अंतर पहचानो उच्छृंखलता स्वतंत्रता नहीं होती। ये यात्रा वहां से चलती 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 यहाँ आई कि आज भारत की देवियां अनुशासित होने को शासित होना समझ रही पैरों की झांझर को बेड़ी समझ रही हैं और नारी वो अपना इतिहास रचने वाली। भगवान ने कहा त्रेता में थोड़ी देर बाद आता था सतयुग में देर से आता था द्वापर में भी समय लगाता था पर कलयुग की देवियों मैं तुमसे कभी बिलग नहीं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो चाहो अपना भाग्य लिखो तुम सोच समझ कर मार्ग चुनो नारी अब तुम पर छोड़ा है जैसा चाहो निज भाग्य लिखो। उस यात्रा को करते 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 आज जहाँ मैं खड़ी हूँ वो जगह कौन सी है वहां मैं क्या अपने अस्तित्व को पहचान पाई। मैंने सोचा मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी सर्व मंगला पीठम का विचार आया मन में। यहाँ पे साध्वी श्रोमणी बैठी हैं हमने कहा था कि माँ भगवती की मंदिर का शिलान्यास तब तक नहीं करूंगी जब तक लाखों लाखों हस्ताक्षर मेरे सामने नहीं आ जाएंगे कि भारत की स्त्रियां अपनी कोख पर अपनी बच्चियों की हत्या नहीं करेंगी वो संकल्प लें कि हम अपनी बच्ची नहीं मारेंगे। नहीं तो देवी के जागरण होते हैं दुर्गा की पूजाएं होती हैं और घर में आई दुर्गा का गला दबा दिया जाता है। ये कैसा विरोधाभास है ये कैसा पाखंड है ये कैसा दंभ है ये कैसे हमारे दो दो चेहरे कुछ समझ में आता नहीं। और कौन बनी सर्पनी जो मानवी थी वो बनी सर्पनी अपनी कोख पे नश्तर चलाया अपनी बच्ची की हत्या कर डाली इससे बड़ा और कोई दुष्कर्म हो सकता। अमेठी वालों भारत की धरती में सुख नहीं आ सकता जब तक दो पाप होंगे पेट में बेटी की हत्या और गौ माता का कत्ल जब तक इस धरती पर होता रहेगा तब तक इस धरती पर शांति का संचार इसे कौन निश्चित करेगा हम निश्चित करेंगे। गम उनका नहीं जो मौजों में तूफान के मारे डूब गए रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ किनारे डूब गए। हमारी जिम्मेदारी है हम समझे अपनी जिम्मेदारी। तो मैं तो निवेदन कर रही थी कि विदुर जैसे परम भागवत व्यक्ति जिन्होंने धनुष बाण छोड़ दिया दिल्ली पर मैं किसी पक्ष में नहीं निष्पक्ष होकर निकल गए। उद्धव जी से उनका मिलना हुआ समाचार मिला द्वारका में क्या क्या हो गया महाभारत के युद्ध के बाद उसका परिणाम क्या आया फिर भगवान ने लीला संवरण की जब और कैसा भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसको भगवान लीला संवरण के समय स्मरण कर रहे हैं। विदुर ऐसे व्यक्ति
सब्सक्राइब करें साध्वी रितंभरा जी के यूट्यूब चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।